नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। आज दिल्ली पब्लिक स्कूल अभिभावकों की रिफाइनरी प्रशासन से पहले से प्रस्तावित बैठक स्कूल पर शाम 5 बजे तय थी। बैठक का स्थान रिफाइनरी प्रशासन ने 4 बजे बदल दिया। सभी अभिभावक रिफाइनरी नगर में जाने लगे तो उनको पहले से मौजूद पुलिस कर्मी ने जाने नहीं दिया। एसओ रिफाइनरी की मध्यस्था में ये बैठक थी, लिहाजा एसओ रिफाइनरी ने सभी अभिभावकों को अंदर जाने दिया। रिफाइनरी अधिकारी तय समय पर नहीं पहुंचे तो अभिभावकों ने टाउनशिप में अंदर आने वाले मार्ग को जाम कर दिया, जिससे रिफाइनरी से ड्यूटी कर लौट रहे कर्मी अपने घर नहीं पहुंचे। रिफाइनरी नगर में 3 घंटे चले हंगामे में सभी अभिभावकों के साथ महिलाएं भी शामिल थी। 3 घंटे तक एक भी रिफाइनरी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे अभिभावकों में आक्रोश बढ़ता चला गया। सीओ रिफाइनरी ने अभिभावकों की बात सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि कल आपके मसले का हल जरूर निकल जाएगा। इस आश्वासन पर अभिभावक संघर्ष समिति ने अपना धरना समाप्त किया। कम से कम आप स्टार्टिंग तो यहाँ से कीजिए कि 2 महीने से जो आप संघर्ष कर रहे हो उसमें अब तक आपको कितनी सफलता मिली है। मीडिया वालों को ये सवाल हमारे लिए होना चाहिए, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। मीडिया वाले आज भी इस कंडीशन में ये स्टार्टिंग करते हैं कि मामला क्या है, सबसे पहले तो आपको ये मामला थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए और हमारी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि सर हम अभिभावक हैं और आप भी अभिभावक हो। इस देश में सबसे बड़ी ज्यादा संख्या किसकी है? अभिभावक। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट हो, मजदूर हो, बच्चे सब पर आता है। पुलिस, लेकिन पुलिस तब भी समझदार थी, पुलिस रिफाइनरी से समझदार है और उन्होंने हमको ये कहा कि ठीक है, जब ये जगह डिसाइड हुई है तो रिफाइनरी वालों को यहीं आना चाहिए। अभी तक 5 बजे की बैठक थी, 5:30 बज गए हैं और कोई रिफाइनरी का अधिकारी बात करने नहीं आया। ये सारे रिफाइनरी के डिसीजन मेकर हैं, इनको एक संदेश पहुंचे कि किस तरीके से इनको 15 मिनट भी अगर हमने रोक लिया तो इन्हें जो असुविधा होती है वो होगी। आज हम पेरेंट्स फीस की मार से जूझ रहे हैं, जो 15% पिछले साल वृद्धि की थी वो इस साल वृद्धि बढ़ा के 85% कर दी गई है और ये लोग नीति नियंता ये नहीं जानते कि ऐसा कानून में नहीं आता, कानून के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और हमको बार बार इस चीज के लिए उकसाया जा रहा है कि हम मजबूर होकर आंदोलन का रूप लें। इनकी इस अव्यवस्था और इनके पीछे हटने का हम लोग घोर विरोध करते हैं और हम आज जब तक कोई रिफाइनरी का आदमी यहाँ आके आश्वासन नहीं दे देता कि फीस पे उसका क्या मुद्दा है, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। धन्यवाद।